आज 10 जुलाई 2018 को भोजपुरी शोध एवं विकास ट्रस्ट के द्वारा एक विचार संगोष्ठी का आयोजन सहयोगी नगर बहिरो में आरपीएस पब्लिक स्कूल में किया गया। उक्त विचार संगोष्ठी में भोजपुरी साहित्य के उत्थान में भिखारी ठाकुर की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य अतिथि में डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर मदन मोहन द्विवेदी एवं अन्य थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कुमार श्रीभद्र ने किया, वहीं स्वागतकर्ता अनूप औलिक थे। उक्त कार्यक्रम में भोजपुरी शोध एवं विकास ट्रस्ट के केंद्रीय अध्यक्ष कृष्ण यादव कृष्णेंदु भी शामिल रहे। वही दौड़ में माध्यम से जो भी समाज में जो बुराई है उसका सुधार करे खातिर मौके पर उपस्थित आरपीएस स्कूल के डायरेक्टर भरत सिंह सहयोगी, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो भोजपुरी के बारे में। खास करके भोजपुरी के नाम पर आज वो सितारा बन के खड़ा था, वही आज भोजपुरी के हत्या भी कर रहा था। और खास करके कभी भी भिखारी ठाकुर जी असली गीत के माध्यम से कभी भी समाज में संदेश देने के काम ना किया। आज इतना भीड़ है भिखारी जी के ठाकुर के आयोजन में कि वहाँ पुलिस की व्यवस्था फेल हो जाती है। आज असली गीत से आज लोग भीड़ बनावे के काम करा था, तो हमारा संस्कृति जो बा भिखारी ठाकुर की आत्मा की जो पुकार बा वो आज मर रहा। ऐसे कलाकारों ऐसे जो क्षेत्र में लोग उनको क्या किया जाए, जे असली गीत से आज समाज के दूषित कर रहा बा, हमारा समझ से कठोर उनका लोग के सजा दे जा। और जहां से ये भोजपुरी असली जहां से पैदा होता वो जाके तत्काल जो जैसे बम्बे उस तरह के असली जहां तैयार होता वो जा रोक लगा हो जाए, मैंने सेंसर बोर्ड पर रोक लगे कि भोजपुरी असली अगर सेंसर बोर्ड में आई तो हम उस बोर्ड में नकार दे। अगर इस तरह के सेंसर बोर्ड काम ना करी तो जे गीत गावे वाला बा उनका ऊपर आज सेंसर बोर्ड में जाके गीत गावता करवावता उनका ऊपर हम सरकार से अभी मांग कर तो उनका पर तत्काल कार्रवाई करिया, उनका खाती दंड ऐसा तय करिया कि उनका भय से इस तरह के असली गीत हमने के समाज में पैदा ना हो सके। भरत सिंह सहयोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष भोजपुरी के।